सभी का स्वागत है अपने सभी सम्मानित यूट्यूब चैनल के सदस्यों का बहुत बहुत आभार वंदन। आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरें कि सरकार की मंशाओं पर कैसा ठेकेदार और जिम्मेदार पानी फेरते नजर आ रहे हैं। एक पुलिया का निर्माण हो रहा था विकास क्षेत्र रेउसा के अंतर्गत जनपद सीतापुर तहसील बिछुआ ग्राम पंचायत चहलारी के मदरा लोधनपुरा में 25 वर्ष बाद श्योता के लोकप्रिय विधायक के अथक प्रयास से ये दिन आया। लेकिन वहाँ पे सरकार के गुणवत्ता विहीन सामग्री लगाकर ग्रामीण भड़के और लामबंद हुए, काम को रुकवाया। आइए मिलाते हैं कुछ बातचीत के अंश। क्या बोले ठेकेदार ने कहा कि अव्वल लगना चाहिए, उसके बावजूद ठेकेदार ने भी कबूला और उसके बाद आप क्वालिटी देखिए किस कदर से। और वहीं पर हमसे बार बार मिलने की बात, बगैर पक्का ईंटा कच्चा लगाया जा रहा है जो कि ग्रामीण देख रहे हैं। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ठेकेदार पूरी तरीके से मनमानी पर उतारू है और ये पुलिया कहाँ तक टिकेगी जरा अंदाजा करिए, कैसे टिकेगी। लोग जब निकलेंगे तो भरभरा कर गिर जाएगी, लोगों का जीवन समाप्त हो सकता है, कगार पे पहुंच सकता है लोगों का कहना है। काफी बाढ़ प्रभावित का खिंचाव पानी का भराव होता है, इसी पे निकासी होता है। काफी लोगों ने दिक्कतें बताई इसमें, यहाँ पे पानी का जल भराव भाव। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। मैं हूं प्रेम वाजपेयी, टूटी फूटी आवाज में। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि शेयर और कमेंट करने से लोगों को पता चल सकेगा कहां पर क्या हो रहा है। इस वक्त जनपद सीतापुर के तहसील बिछुआ विकास क्षेत्र रेउसा के अंतर्गत थाना थान गाँव की ग्राम पंचायत चहलारी के मदरा लोधनपुरवा गाँव में खड़ा हूँ, जहाँ की मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये गाँव है लोधनपुरवा और ये यहाँ पर कई वर्षों से आने जाने का रास्ता नहीं था, पुलिया नहीं थी, जो श्योता के लोकप्रिय विधायक के अथक प्रयास से और यहाँ के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के गांव ग्रामीणों के सहयोग से, श्योता के अथक प्रयास से ये पुलिया का निर्माण और कार्य योजना में पास कराया गया। सरकार की मंशा है कि मानक के अनुरूप कार्य हो, गुणवत्ता विहीन न होने पाए। और कई वर्षों के बाद आज ये दिन देखने को मिला। इन गांवों को कई चक्कर घूम के लगा करके तब रेउसा और मारू बहन पहुंचते थे, लेकिन जब श्योता के विधायक के अथक प्रयास से यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ इस पुलिया का, तो यहां पर जो ठेकेदार हैं, जो सरकार की मंशाओं को पलीता लगाने का काम किया है, मानक के विपरीत काम कर रहे हैं, जिसके विरोध में ग्रामीण यहाँ चहलारी के लोधनपुरवा के लामंद होकर के काम को रुकवा दिया गया है यहाँ पर। और वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरी तरीके से यहाँ पे पीला और घटिया क्वालिटी का ईंटा लगाया जा रहा है तरी में। लोगों का कहना है कि अगर जब इसकी जड़ ही नींव नहीं मजबूत होगी तो ऊंचे बिल्डिंग कहाँ से टिकेगी, पुलिया कहाँ से टिकेगी, ये अपने आप पानी में गल जाएगा, ग्रामीणों का कहना ये है। क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर ठेकेदार मनमानी करता नजर आ रहा है, सरकार की मंशाओं पर पानी फेर रहा है और वहीं पर श्योता के विधायक के अथक प्रयास से बनाई जा रही पुलिया लाखों रुपए से यहाँ पर उनकी कार्य योजना में भी खलल पड़ रहा है। पूरी बात करते हैं, ग्रामीणों से आक्रोशित हैं पूरी तरीके से, उस पे दिखाई दे रहे हैं और अंदर दिखाते हैं माल जो लग रहा है घटिया क्वालिटी का ईंटा, क्योंकि ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि किस कदर के, जहां एक तरफ सरकार अच्छा क्वालिटी का ईंटा लगाने का और सामग्री लगाने की बात करती है, लेकिन यहाँ के स्थानीय और जिम्मेदार की मिलीभगत से किस कदर से गड़बड़ झाला कर रहे हैं। ये दिखाते हैं ईंटा जो लगाया जा रहा है, अपने आप खुद ब खुद ये तस्वीरें गवाह हैं जो देख रहे हैं। और ये ग्रामीण फोड़ के दिखा रहे हैं, ये आलम है अभी से, जब पानी पड़ेगा तो क्या आलम होगा जरा गौर करिए। इस कदर से ये है, इस तरीके से टूट जा रहा है। ये ग्रामीण है यहाँ के चहारी के लामबंद होकर के, ये इस तरीके से हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये फोड़ के ग्रामीण दिखा रहे हैं, जब हल्का सा धक्का लगता है बिथर जा रहा है तो आगे क्या होगा, ये आलम है ग्रामीणों का है यहाँ पर इस कदर से। और जबकि ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो यहाँ के जो मौके पर ठेकेदार अपने को बता रहे हैं तो वो काफी कह रहे हैं कि जो मनमानी कर रहे हैं कि जो बनावे करो कुछ नहीं मतलब। ये है ग्रामीण पूरी तरीके से लामबंद है और इस घटिया क्वालिटी की निर्माणाधीन पुलिये को लेकर के चहलारी लोधक मक्के मदरा लोधनपुरवा गाँव के ग्रामीण है। हम पूरी बात करेंगे आखिर इतना क्यों नाराज है, क्यों गुस्सा है। आप लोग बताए किस गाँव के हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो ये पुलिया कहाँ पर बन रही है? लोधनपुरवा में बन रही है। अच्छा, तो ये मतलब इसमें क्या गड़बड़ है, क्यों इतना नाराज है, क्या हुआ? पीला ईंटा लगाई फूट जाते जो है, जब से पीला ईंटा आ रहा है तब से हम लोग विरोध कर रहे हैं। फिर एक ट्राली
मोरंग आती है 70 क्विंटल, उसमें 10 बोरी सीमेंट 8 बोरी सीमेंट डाल के उसमें जो है ऐसे कर दिया जाता है सब कुछ। मतलब एक बोरी सीमेंट में 10 नहीं 70 क्विंटल मोरंग में 8-9 बोरी तक 9 बोरी सीमेंट 70 क्विंटल मोरंग में 8 बोरी सीमेंट डाली जाती है। 9 बोरी 70 क्विंटल में, अच्छा 9 बोरी सीमेंट। कल जय साहब आए तो उन्होंने कम से कम बाद में 9 बोरी के बाद में 6-7 बोरी और मंगवा के डलवाया। अच्छा 22-23 बोरी का बाद में बना और अच्छा। ये लोग 9 बोरी डालते हैं क्यों 70 क्विंटल मोरंग में। तो आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग कह रहे हैं हमारा सही से काम हो, नहीं तो ये काम बंद हो जाए। कितने दिनों से पुलिया बात बन रही है? साल हो गए हैं 25 साल के बाद आज हमारे जननायक विधायक प्रतिनिधि ने मेहनत करके प्रस्ताव पारित करवा के बनवाना शुरू किया है। तो अब इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है? कौन इसमें सब पीला ईंटा लगाया जा रहा है, जब इसकी नींव ही नहीं मजबूत रहेगी तो पीले बाद में मजबूत कैसे रहेगी? तो इसके लिए इसका काम आप लोग क्या करेंगे, चालू रखेंगे? इसका काम स्थगित किया जाए, जब इसमें सही से काम होगा तभी इसमें ईंटा सही से आए और सही से काम हो तभी मसाला और सब कुछ मजबूती से बनाया जाए। क्या नाम है आपका? सियाराम। आपका? राजेंद्र। आपका? प्रेम कुमार। राजेश आपका? कन्हैयालाल। ए मुल्ला जी आपका? तसव्वर। तुम्हारा क्या नाम? हीरा लाल। तुम्हारा राकेश कुमार। और तुम्हारा क्या नाम? राम खराव। बारी बारी से ग्रामीणों ने अपने नाम और बयान बताया, विरोध किया है लामबंद होकर के कि जब तक ये कार सही नहीं चलेगा तब तक इसको बंद किया जाए। काम को रुकवा दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से, और श्योता के विधायक के अथक प्रयास से ये कार्यक्रम 25 साल बाद बताया ग्रामीणों ने कि आया है, पुलिया बन रही है और जब इसकी नींव नहीं मजबूत होगी तो पुलिया कहाँ से दीवार टिकेगी बिल्डिंग, जैसा कि बताया जा रहा है। और सरकार की मंशा भी है कि अच्छी क्वालिटी का सामग्री आप लगाया जाए। आप ग्रामीणों के द्वारा ईंटा पकड़कर आप जरा सा धक्का लगता है टूट जा रहा है, आप देख सकते हैं गुणवत्ता विहीन बनाई जा रही है, जिससे नाराज हुए हैं ग्रामीण। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से 40 मीटर की पुलिया बताई जा रही है। कितनी होगी ये मानक? 40 मीटर का है, 40 मीटर लंबी चौड़ी लंबी और है कितनी? 14 मीटर। मात्र 14 मीटर। एक बात और उभर के आएगी, 40 मीटर ग्रामीणों ने बताया मानक है लंबी और मात्र 14 मीटर लंबी बनाई जा रही है। वहीं पर जो मौके पे कमलेश ठेकेदार ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि जब उनसे इस बाबत बात की गई तो उन्होंने ठीक से बात नहीं की, और जब विरोध किया तो ग्रामीणों से मनमानी करने की बात कही और कहा जो भी करना हो करो। क्यों ये बात कहा? जब विरोध किया, जो मौके पे कमलेश अपने को ठेकेदार बता रहे हैं, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि ये मानक के विपरीत बन रही है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं कि किस कदर से ठेकेदार मक्कारी कर रहा है अपने, और मानक विहीन बनाई जा रही ग्रामीणों के मुताबिक जो बताया गया।